नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, TRE3 के पेपर लीक में चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि अब खुलासा ये हुआ है कि TRE2 का भी पेपर लीक हुआ था, और जब ये खुलासा हुआ तब वो 1,23,000 अभ्यर्थी अब सवाल करने लगे हैं। बता दें कि 1,23,000 अभ्यर्थियों ने TRE2 में परीक्षा दिया था और ये परीक्षा 2023 में ली गई थी, लेकिन अब इसे लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि TRE2 का भी पेपर लीक हुआ था। जानकारी के अनुसार भोजपुर के शिवकांत सिंह और राहुल ने पटना से मोतिहारी के लिए TRE2 का प्रश्न पत्र लेकर निकले थे। सराय टोल प्लाजा पर बिहार सरकार की गाड़ियों में सवार कुछ लोगों ने पिकअप से प्रश्न पत्र वाला बॉक्स लिया और बदले में कुछ और दिया। मुजफ्फरपुर में फिर से दोनों गाड़ियां मिली और प्रश्न पत्र को वापस पिकअप में रख दिया गया। शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मोतिहारी DM ऑफिस गए। शिवकांत को इस काम के लिए 5,000 रुपये दिए गए। वहीं पिकअप के मालिक राम निवास चौधरी ने भी पेपर लीक में अपनी संलिप्तता स्वीकारी और बताया कि उसे 8,000 रुपये मिले थे। बता दें कि TRE3 में भी DTDC के प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसी पिकअप वैन का इस्तेमाल किया गया था और पेपर लीक भी हुआ था। इस दौरान नगर नौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन रोक कर प्रश्न पत्र लीक किया गया। इस काम के लिए वैन चालक राम भवन पासवान को 7,000 रुपये दिए गए। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव था। अब ऐसे में बता दें कि शिव को पुलिस ने पहले ही उज्जैन से सिपाही बहाली पेपर लीक में उसकी गर्लफ्रेंड और साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। शिव वर्तमान में बेउर जेल में बंद है। वहीं अब पटना में 3 कोचिंग संचालकों की तलाश EOU को TRE3 पेपर लीक मामले में है। बताया जा रहा है कि इन्हीं कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सॉल्वर थे संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने TRE3 पेपर लीक मामले में शामिल थे। संजीव मुखिया के गिरोह ने कोचिंग संस्थानों को पेपर दिया जिसके बाद उसे अभ्यर्थियों को भेजा गया। बता दें कि TRE3 पेपर लीक मामले में EOU लगातार जांच कर रही है। अब तक EOU ने 267 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं अब EOU की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि TRE2 का भी पेपर लीक हुआ था। बता दें कि इस घटना के जरिए सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। इसे लेकर जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं।